भाई अभी एंट्री होके स्वागत हो गया यहाँ पे, देख रहे हो तिलक लगा हुआ है, फूल ताशे हो गए। अभी चाय नाश्ता, उसके बाद यहाँ पे लोग तैयार, दिखाता हूँ यहाँ पे लोग तैयार हो रहे हैं। सो फोन चार्ज कर लिया, अभी चार्ज हो गया फोन, उसके बाद जा रहे हैं अभी प्रोग्राम देखने। प्रोग्राम शुरू हो गया, प्रोग्राम देखेंगे, प्रोग्राम में मजे लेंगे। यहाँ का कल्चरल फोक म्यूजिक है, फोक डांस होने वाला है। वैसे लोग बोलते हैं राजस्थान की जो फोक म्यूजिक, फोक डांस जो है काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। ऑब्वियसली कि जो बोलने का गाने का तरीका होता है, टोन होता है ना, वो इतना स्वीट, इतना मिठास होता है ना कि सुनने में मज़ा आता है और नाचने का अलग ही दिल करता है। तभी उसके मजे लेंगे यहाँ पे। एंड उसके अलावा देखते क्या क्या होता है। मेरे ख्याल से फोक म्यूजिक कहीं का भी हो, कोई भी स्टेट का हो, कोई भी रीजन का हो, उसका ऑथेंटिसिटी वो अलग ही है, वो उसकी जगह की पहचान दिखाती है। एंड उससे लोग काफ़ी ना इंट्रैक्ट होते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। फोक म्यूज़िक से ही आप उस जगह के बारे में जान सकते हैं कितना कितना पुराना है, वहाँ के कल्चर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में सब समझ पाएंगे। ठीक वैसे ही आप राजस्थान में हैं, अभी इसका आनंद लेते हैं, मज़े उठाते हैं। प्रोग्राम शुरू हुआ है, कम टाइम है, मुझे देख के खा के निकलना भी, रात काफ़ी हो रही है, निकलूँगा भी यहाँ से। सो फाइनली हमारा प्रोग्राम एंड हो गया है, मैं खाना वाना खा लिया हूँ। सॉरी मैं खाना दिखा नहीं पाया क्योंकि भूख लगी थी ज़्यादा और मैं खाना लेके बैठ गया खाने के लिए। बट आपने देखा होगा कि प्रोग्राम कैसा होगा, इतने ब्यूटीफुली उन्होंने ग्रेसफुली डांस किया है वो दो मैडम ने, एंड जो ढोलक बजा रहे थे, जो गाना गा रहे थे, वो भी इतने ऑथेंटिसिटी इसमें ला रहे थे ना अपने कल्चर की, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। एंड बेस्ट पार्ट है कि मैं यहाँ पर रुका था के रिसोर्ट, जैसा बताया मैंने आपको, और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे आ सकते हो फैमिली के साथ। इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत ही ज़्यादा ही अमेजिंग है, इनकी सर्विस बहुत ही फैंटास्टिक है,
आपको ऐसा कभी लगेगा नहीं कि आपका पैसा वर्थ वेस्ट गया है, आपका टाइम मनी दोनों ही वर्थ है। और ख़ास तौर पे यहाँ के जो मैनेजर हैं नहीं अच्छे इंसान है ना, कि आपको उनसे वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, इन शॉर्ट आपको मज़ा ही आना है उनके साथ बातें करेंगे। एंड एक स्पेशल मेंशन मयंक और महक का, जो कि एक फैमिली मुझे यहाँ मिली, मयंक महक है, दोनों भाई बहन हैं, छोटे हैं, अभी टेंथ में हैं, एक टेंथ का एग्ज़ाम देने वाली है। अनफॉर्चुनेटली मैं उनका वीडियो ले नहीं पाया, बिकॉज वो बात करने में हम इतने मगन हो गए कि मैं उनका वीडियो उनको वीडियो में ले नहीं पाया। एंड अगर आप वीडियो देखोगे मयंक महक, आई एम सो सॉरी कि मैं आपको ले नहीं पाया, बट डेफिनेटली मैं कभी वापस आऊँगा तो मैं आपसे दोबारा ज़रूर मिलूँगा। एंड स्पेशल थैंक्स उनकी मम्मी के लिए, उनकी मम्मी इतनी ज़्यादा ही एनर्जेटिक है और इतनी ज़्यादा फ्रेंडली है ना, इतना सपोर्ट, मतलब मेरा चैनल शुरू नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, ये तो मैं आपको जो बता रहा हूँ आप देखोगे, बट आज के डेट पर, प्रेजेंट डेट पर चैनल तो शुरू हुआ नहीं है, फिर भी उन्होंने मुझे इतना ग्रेसफुली, इतना अच्छे से उन्होंने ब्लेसिंग दिया कि अच्छा करेंगे। एंड इतनी एनर्जी वो पॉजिटिवली पॉजिटिव दिखा रही थी अपने एटीट्यूड में मेरी तरफ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल गई। हालांकि मैं कभी इतना बात नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मेरे को इतना अमेजिंग फील हुआ सुन के कि भाई अभी तो मैं शुरू नहीं हुआ, फिर भी ये फैमिली इतनी मेरे को सपोर्ट कर रही है। एंड मैं उनसे ऐसा नहीं कि मैं उनसे पहले जानता हूँ, मैं उनको शाम को जब मैं यहाँ पे रिसोर्ट में पहुँचा हूँ तो मैं उनसे मिला हूँ। इनफैक्ट मैं मयंक से मेरी बात हुई, वो सामने से आया, मेरे से बात किया, एंड मुझे लगा नहीं कि मैं उनसे अभी भी मिला हूँ, ऐसा लगा काफ़ी ज़माने से जान रहे एक दूसरे को। और इतना फ्रेंडली इंसान, फ्रेंडली है ना बंदा मयंक, उसका ड्रीम है कि वो कलेक्टर बने, एंड मैं यही प्रे करूँगा कि उसका जो भी ड्रीम है वो फुलफिल हो एंड वो अपनी फील्ड में काफ़ी अच्छा काम करे। मतलब अभी से इतनी छोटी उम्र से उसे सोच ये है कि मैं दूसरों की हेल्प करना, जो कि एक अमेजिंग बात है, हालांकि जल्दी कभी ऐसा सोचता नहीं है, ठीक है, बट वो ऐसा सोच वैसा है। हाँ, एक बात और, उनके जो फादर है, उनके फादर का नाम तो मुझे पता नहीं, मैं भूल चुका हूँ, बट अमेजिंग बात है कि वो खुद एक टूरिज्म में, वो एज अ गाइड काम करते हैं, जहाँ पे वो जर्मन, फ्रेंच, दो तीन लैंग्वेज में टूर गाइड कराते हैं ऑल ओवर राजस्थान। वो भी इतने ट्रैवल फ्रीक हैं, इतने एक्सटेंसिवली ट्रैवल करते हैं, उनको ट्रैवलिंग खुद पसंद है बहुत, उनसे काफ़ी बात होती है। मेरे को भी एक्चुअली बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने उनको, उनके जब वो थे साथ में, मैंने वीडियो क्यों नहीं बनाया, मैं से बात करने में रह गया, मैं वीडियो बना नहीं पाया। अभी मुझे बहुत है ना अजीब लग रहा है, काश वो वीडियो में होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। हालांकि उनकी छोटी सी क्लिप आई जहाँ पे मैं वो बैठे डांस प्रोग्राम चल रहा है, मैंने वहाँ पे उनका एक वीडियो शॉट किया है, बट वो छोटा सा शॉट है। एंड प्लीज़ मेरे लिए नहीं तो बट इस फैमिली के लिए आप तो लाइक कर ही सकते हो, शेयर कर सकते हो, शेयर की बात नहीं है, पसंद आया तो शेयर करोगे, पसंद आया तो लाइक करोगे, ना डिसलाइक ही करोगे, बट सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना भाई, शायद ये वीडियो नहीं अगली वीडियो पसंद आ जाए उसमें क्या। अभी यहाँ से तो सारे प्रोग्राम हो चुके हैं, अभी इसी के अंदर डीजे चल रहा है, लोग जो स्टे कर रहे हैं वो डीजे का मज़ा ले रहे हैं, मुझे निकलना है, मुझे यहाँ से करीब 46 मिनट्स बता रहा है मैप पे, तो अभी मैं यहाँ से निकलूँगा, अभी टाइम हो रहा है 10:45, तो मुझे पहुँचते पहुँचते 11 बज जाएंगे। एंड फिर अब मैं आपको शायद से दिखा तो नहीं पाऊँगा क्योंकि पूरा अंधेरा है, तो वीडियो में यहाँ पर दिखा नहीं पाऊँगा, मैं शायद से आपको जैसे मेरे पहुँच के बात करते हैं, या तो फिर सीधा अगली वीडियो में मिलते हैं।